जो जो हमारी सैम्पलिंग प्रक्रिया है, जो मैनेजमेंट पॉजिटिविटी रेट, उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। तो हिमाचल में जो अभी हम सैम्पलिंग जो हमने अब तक की है, वो लगभग 6,860 के करीब पर मिलियन पॉपुलेशन हमारी सैम्पलिंग है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो सैम्पलिंग है वो 3,900 के करीब है पर मिलियन पॉपुलेशन पेशेंट। तो उसमें हम इसी हम प्रक्रिया को जारी रखेंगे और सैम्पलिंग दर को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी इस वक्त पहले 5 लैब थी, हमारी 6 लैब अधिकृत हो गई है, और आने वाले समय में हम हमीरपुर मेडिकल कॉलेज चंबा की लैब को भी बड़ी जल्दी टेस्टिंग शुरू कराने के लिए प्रयत्नरत हैं, और जैसे हमारी ज़्यादा लैब अधिकृत होंगी हम टेस्टिंग को और बढ़ाएंगे, और जिलों में ये जो कई लैब्स में लोड ज़्यादा है उसको हम कम भी करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक डेथ रेट की बात है, हिमाचल में जो डेथ रेट है पेशेंट का वो 1.2% है, राष्ट्रीय स्तर पे ये 2.8% है, और विश्व स्तर पे जो डेथ रेट है वो 5.8% है। और एक बड़ा अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि पॉजिटिविटी रेट जो सैंपल का होता है वो दर्शाता है कि आपने सैंपलिंग कितनी की है और कितनी इफेक्टिव सैंपलिंग हुई है। तो हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है 1% है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉजिटिविटी रेट है 5% है। उसका मतलब यह है कि हमारे में सैंपलिंग अन्य राज्यों के तुलना में ज़्यादा हो रही है, और वो एक अच्छी बात है। और एक बड़ा और महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है कि आईसीयू सपोर्ट में कितने पेशेंट हैं आपके। तो हमारे यहाँ प्रदेश में भाग्यवश अभी तक एक भी पेशेंट आईसीयू सपोर्ट रिक्वायर नहीं करता है, और हमारे लगभग 90% पेशेंट या तो बिना सिम्टम के हैं या बड़े लाइट माइल्ड सिम्टम वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि 90% हमारे पेशेंट्स को हम कोविड केयर सेंटर, जो एक नॉन हेल्थ इंस्टीट्यूशन को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, सारे पेशेंट वहीं रह के तंदुरुस्त होकर घरों को वापस चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे हॉस्पिटल्स पे आने वाले समय में भी जब केसेस बढ़ सकते हैं तो भी उन पे ज़्यादा लोड हॉस्पिटल पे नहीं पड़ेगा। तो और दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि हिमाचल में जो आप जानते हैं कि जनसंख्या जो हिमाचल की है 0.6% है राष्ट्रीय जनसंख्या का, और हमारे पास जो केस लोड है हिमाचल में वो राष्ट्रीय केस लोड का केवल 0.16% है। तो उसका मतलब यह है कि हमने ओवरऑल स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम स्थिति को नियंत्रण। आप भी ठीक है, काफी लोग बाहर से आए हैं और जो जो फंसे हुए थे या जरूरतमंद थे या माइग्रेंट वर्कर थे, प्रदेश सरकार ने इस मामले में बहुत बड़ा काम किया, काफी लोग बाहर से आए। मैं समझता हूँ 1.5-2 लाख लोग बाहर से आ चुके हैं। व्यवस्था के अनुसार हमने काफी लोग उनमें से 28 डेज क्वारंटाइन का पीरियड पूरा करके स्वस्थ हो गया, उसकी हमें चिंता करने की बात नहीं है, आधे से ज्यादा लोग। और नंबर दो, लगभग 30,000 जो हमने टेस्ट किए हैं, सैंपलिंग की है, वो केवल इन्हीं लोगों की की है, 48 सैंपलों में से जो बाहर से आए हुए लोग हैं। और ये सैंपलिंग प्रक्रिया हमारा आगे भी प्रोटोकॉल हम उसको समय समय के मुताबिक बदलते जा रहे हैं, और उससे मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम स्थिति